दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कि महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना के अंतर्गत प्रदेश की लाखों महिलाओं को यहाँ पे 1500 रुपए महीना उनके अकाउंट में यहाँ पे आर्थिक सहायता हर महीने प्रदान की जाती है। लेकिन अब इसमें एक नई अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें कि दिवाली पे स्पेशल बोनस देने का भी यहाँ पे सरकार ने अनाउंस किया है। तो आज के स्टूडियो में उसी अपडेट के बारे में डिटेल से जानेंगे कि दिवाली पे कितना बोनस मिलने वाला है, 1500 के अलावा और कितने रुपए आपको यहाँ पे मिलेंगे, और ये रुपए आपको कब तक मिलेंगे, इसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, इसकी पूरी डिटेल आज के स्टूडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अगर आप भी महाराष्ट्र के निवासी हैं और आपको लाड़की बहन योजना के अंतर्गत 1500 रुपए की राशि हर महीने मिलती है और आप इस दिवाली बोनस को भी क्लेम करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए लाड़की बहन योजना की शुरुआत की है। ये योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस पहल से महिलाएं अपने दैनिक जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपावली विशेष बोनस की घोषणा। तो इस दीपावली के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने योजना के लाभार्थियों के लिए एक विशेष उपहार की घोषणा की है। सरकार अक्टूबर नवंबर महीने की किस्त को मिलाकर 5500 रुपए की राशि एक साथ वितरित करेगी। ये पहल महिलाओं को त्योहार के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे वे बिना किसी वित्तीय चिंता के दीपावली का त्योहार मना सके। अब योजना के लाभार्थी कौन है? तो योजना का लाभ लेने के लिए इन महिलाओं को यहाँ पे लाड़की बहन योजना के अंतर्गत ये राशि दी जाती है। 60 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिला, विवाहित महिला, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, बेसहारा महिला, ऐसे परिवार की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय 2,50,000 रुपए से कम है, उन्हें यहाँ पे लाड़की बहन योजना के अंतर्गत यहाँ पे 1500 रुपए महीना यहाँ पे दिया जाता है। अब जो बोनस मिलने वाला है उसकी वितरण प्रक्रिया को समझ लीजिए। सरकार ने बोनस वितरण की एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है। राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT का उपयोग किया जाएगा। दीपावली से पहले राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी प्रकार के बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी। अब योजना की पात्रता के मुख्य मानदंड, तो लाभार्थी को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। आवेदक जो भी जो लाड़की बहन योजना के लिए आवेदन करना चाहता है, महाराष्ट्र के मूल निवासी होना चाहिए, निर्धारित आयु वर्ग में होना चाहिए, वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा का पालन होना चाहिए, बैंक खाता होना जरूरी है और उसका आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, बेसहारा, सीढ़ी में आना। यहाँ पे अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं, नया पंजीकरण विकल्प चुने और यहाँ पे आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो लाड़की बहन योजना के लिए आवेदन किस तरह से किया जाता है उस पर मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उसको देखकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है तो नजदीकी ग्राम पंचायत में जाकर अपना आवेदन फॉर्म वहां से प्राप्त करके उसको भर के और जरूरी दस्तावेज वहां पे संलग्न करके आप उसको जमा करा सकते हैं और अपनी पंजीकरण ID वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहां पे ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं उसमें आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, आय प्रमाण पत्र, पीले नारंगी राशन कार्ड धारकों को छूट है, उनके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर, तो इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए लड़की बहन योजना के लिए आवेदन करने के लिए। अब यहाँ पे लड़की बहन योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये न केवल उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती है बल्कि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। दीपावली बोनस की घोषणा से स्पष्ट है कि सरकार महिलाओं की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। तो कुल मिला के दीपावली पे जो आपकी किस्त आने वाली है वो आपकी 1500 नहीं बल्कि आपको यहाँ पे 5500 रुपए की किस्त यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप अपनी दीपावली अच्छे से मना सके। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।